अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरी और आखिरी दिन की बैठक सर्किट हाउस में आज संपन्न हुई। ये बैठक मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चली। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य के अलावा टाटा कंसल्टेंसी व एलएनटी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। बैठक संपन्न होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं पर भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का निर्माण लगभग 30% पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दीर्घकालीन योजना पर काम कर रहा है। अगर राम मंदिर परिसर में 2 लगभग श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही परिसर में 50,000 श्रद्धालुओं के सामानों के रखने की भी सुविधा दी जाएगी ताकि श्रद्धालु अपने सामानों को वहां पर रखकर रामलला का दर्शन पूजन कर सकें। यही नहीं, राम मंदिर परिसर में अग्निशमन वाहन खड़े होने की भी सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिसर में आग लगने की घटना पर अग्निशमन दस्ता कैसे पहुंचेगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। पानी के स्टोरेज पर भी विचार किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर में टॉयलेट व प्रशासन की भी सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, जो श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने पहुंचेंगे वे थके हुए होंगे, उनके आराम करने के लिए भी भवन की सुविधा रखी जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह के साथ ही साथ 70 एकड़ के विकास पर भी चर्चा हो रही है। चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 30% पूरा हो चुका है और आगे का कार्य चल रहा है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं, हम बहुत दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। 2 लाख लोग भी आ गए तो उन्हें कठिनाइयां परिसर में ना हो, इतनी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। 50,000 लोगों के झोले, उतने ही झोले जिसमें जूता चप्पल मोबाइल छोटा मोटा सामान आ सके, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी 10-20 अटैचियाँ लेकर चला आएगा। यहाँ आप लोग जाते हैं तो कंधे पर एक पिट्ठू रहता है, उसमें सब होता है। तो जितना एक सीमाओं में रहने वाला एक आदमी का सामान है, अगर 50,000 लोगों का भी सामान रखना पड़ा, उसकी मानसिक तैयारी से हम चल रहे हैं। दूसरी बात, फायर, उसके लिए पानी कहाँ रखा जाएगा? फायर की स्थिति में ये जो गाड़ियाँ रहती हैं अग्निशमन की, ये कैसे चलेंगी? जनता के लिए जो परिसर में आ रहे हैं उनके जो एक सामान्य सुविधा है, नेचुरल कॉल, प्रसाधन, टॉयलेट आदि, शौचालय आदि, ऐसी बहुत छोटी छोटी बातों पर थके हुए लोग आराम करेंगे तो उनका भवन कहाँ, कैसा, कितनी कैपेसिटी का, ये बहुत बारीकियां हैं। इन बारीकियों पर आज चर्चा हुई है और थोड़ी बहुत चर्चा अन्य 70 एकड़ के विकास पर, वो बहुत प्राइमरी स्टेज की चर्चा है।